गुरुजी कॉम्पिटेटिव जंप चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कृषि शंकाय में, और कृषि शंकाय में मैं आपको बताऊंगा यहां पर कक्षा 11वीं में कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। यह 70 अंक का क्वेश्चन पेपर होगा, समय रहेगा 3 घंटों का। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने ब्लूप्रिंट जो जारी किया है 2021-22 के लिए, उस पर मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं। अब देखिए कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, इसमें पहली यूनिट जो है पदार्थ के गुण, इस पर कुल आवंटित अंकों की संख्या होगी 6, जिससे 3 अंकों के 2 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। घर्षण पर 4 अंक आवंटित है, जिस पर 2 अंकों के 2 प्रश्न यहां पूछे जाएंगे। आप देखिए इकाई 5 ऊष्मा और ऊष्पा पर यहां 4 अंक आवंटित है, जिस पर 2 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, 2 अंकों का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। रासायनिक बंध एवं आयनिक सिद्धांत पर 5 अंक आवंटित है, जिस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 पूछा जाएगा और 2 अंकों का प्रश्न 1 पूछा जाएगा। इसी प्रकार अध्याय या इकाई 8 में कोलाइड है, और कोलाइड पर 5 अंक आवंटित किए गए हैं, जो 5 अंकों का 1 क्वेश्चन सिर्फ इस यूनिट से पूछा जाएगा। देखिए इकाई 9 की बात करता हूं मैं, और इकाई 9 में खनिज एवं उर्वरक, और खनिज एवं उर्वरक पर 3 अंक आवंटित है, जिस पर 3 विकल्प यहां पूछे जाएंगे। आयतन मिति पर 4 अंक आवंटित है, यहां पर 4 विकल्प पूछे जाएंगे। पादप आकारिकी पर 3 अंक आवंटित है, जिन पर 3 विकल्प पूछे जाएंगे। परागण एवं निषेचन पर 5 अंक आवंटित किए गए हैं, जिन पर यहाँ देखिए आप 3 अंक का 1 क्वेश्चन विकल्प 1 और 2 अंक का 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। अब देखते हैं आगे हम, कोशिका पर 7 अंक आवंटित है, जिन पर 4 विकल्प पूछे जाएंगे और 3 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार पादप जगत का वर्गीकरण पर 5 अंक आवंटित है, जिन पर 5 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्राणी जगत का वर्गीकरण पर 7 अंक आवंटित है, जिस पर 3 विकल्प पूछे जाएंगे और 2 अंकों के 2 क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे। इसी प्रकार कृषि में कंप्यूटर शिक्षा 1 पर 3 अंक आवंटित है, जिन पर 3 विकल्प पूछे जाएंगे। और कृषि में कंप्यूटर शिक्षा भाग 2 है, इस पर 3 अंक आवंटित है, जिस पर 1 विकल्प होगा और 2 अंकों का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति पर 4 अंक आवंटित है, जिन पर 4 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कृषि संगणनाएं जो दी गई है, इस पर वैदिक गणित पे 2 अंक आवंटित है, जिस पर 2 विकल्प पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल 70 अंक के क्वेश्चन यहाँ अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुल अंक होंगे 70, प्रश्नों की संख्या होगी 28 और कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 28 अंक के, और प्रश्नों की संख्या हो जाएगी हमारी 20। तो ये था हमारा कृषि विज्ञान का पहला पेपर, जिसकी हमने चर्चा की यहाँ पर। और इसमें हम देखते हैं दूसरा पेपर हमारा है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र पर चर्चा करेंगे, जिस पर कुल 70 अंक यहाँ पर निर्धारित है, समय रहेगा 3 घंटों का। फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, कृषि परिचय पर 3 अंक आवंटित है, जिस पर 3 अंकों का 1 क्वेश्चन होगा। खेती के प्रकार एवं प्रणालियों पर 3 अंक आवंटित है, जिन पर 3 अंक का 1 क्वेश्चन होगा। फसलों के वर्गीकरण एवं फसल चक्रण पर 5 अंक आवंटित है, जिस पर 5 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिश्रित फसल पर 4 अंक आवंटित है, जिस पर 2 विकल्प और 2 अंकों का 1 क्वेश्चन होगा। मृदा पर 3 अंक आवंटित किए गए हैं, जिन पर 1 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और 2 अंक का 1 क्वेश्चन होगा। मृदा के भौतिक गुण पर 2 अंक आवंटित है, जिन पर ये 2 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अम्लीय एवं क्षारीय मृदाओं पर 4 अंक आवंटित है, जिन पर वस्तुनिष्ठ 2 और
दो अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकाई आठ की यदि मैं बात करूं यहां पर, तो इकाई आठ में दिया है मृदा क्षरण एवं संरक्षण पर चार अंक आवंटित है जिसपे दो विकल्प पूछे जाएंगे और दो अंक का एक क्वेश्चन। भू परिष्करण पर तीन अंक आवंटित है जिन पर एक क्वेश्चन एक विकल्प और एक क्वेश्चन दो अंकों का होगा। इसी प्रकार भू परिष्करण एवं अन्य यंत्र पर पांच अंक आवंटित किए गए जिन पर दो विकल्प और तीन अंक का एक क्वेश्चन होगा। सिंचाई पर देखें हम तो चार अंक आवंटित किए गए जिन पर दो विकल्प पूछे जाएंगे और दो अंक का एक क्वेश्चन होगा। पानी उठाने वाले यंत्र पर तीन अंक आवंटित है जिस पर तीन विकल्प यहाँ पूछे जाएंगे। फसलों की खेती का अध्ययन अध्याय एक पर चार अंक आवंटित है जिन पे एक क्वेश्चन चार अंक का पूछा जाएगा। इसी प्रकार फसलों की खेती का अध्ययन भाग दो पर पांच अंक आवंटित है जिसपे पांच अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उद्यान शास्त्र का प्रारंभिक अध्ययन पर तीन अंक आवंटित किए गए हैं जिसपे तीन अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अध्याय 16 की मैं बात करूं यहाँ पर तो ग्रह वाटिका पर दो अंक आवंटित है जिसमें दो विकल्प होंगे। सब्जियों की खेती भाग एक पर दो अंक है जिसपे दो अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जियों की खेती भाग दो पर तीन अंक आवंटित है जिसपे तीन विकल्प पूछे जाएंगे और पुष्पीय पौधों की खेती पर पांच अंक आवंटित है जिसपे तीन विकल्प पूछे जाएंगे और दो अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कृषि संस्थान पर तीन अंक आवंटित किए गए हैं जिसपे तीन विकल्प पूछे जाएंगे। इस प्रकार यदि हम बात करें तो कुल 70 अंकों का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पूछा जाएगा जिसमें 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 जो प्रश्न पूछे जाएंगे कुल। यहाँ पर हम अगला पेपर लेते हैं कृषि विज्ञान का, और कृषि विज्ञान का नेक्स्ट पेपर जो है वो है पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन। इस पे कुल 70 अंक आवंटित किए गए हैं। कक्षा 11वीं की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और आपको विषय बार जो इकाई बार यहाँ पे जो अध्याय दिए गए हैं चैप्टर हैं उन पर आवंटित अंकों की संख्या मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। प्रारंभिक अध्याय पर तीन अंक आवंटित है जिस पर तीन अंक का एक क्वेश्चन। पशु शरीर अंग की प्रारंभिक जानकारी पर तीन अंक आवंटित है जिस पर तीन विकल्प पूछे जाएंगे। गाय एवं भैंस के प्रमुख संस्थानों का अध्ययन पर चार अंक आवंटित है जिन पर दो अंक के दो क्वेश्चन पूछेंगे। पशुओं की उन्नत नस्लें भाग एक भैंस पर चार अंक आवंटित है जिसपे चार अंकों का एक क्वेश्चन एक प्रश्न पूछा जाएगा। और पशु की उन्नत नस्लें भाग दो गाय, यहाँ पर गाय पर तीन अंक आवंटित है जिसपे तीन विकल्प पूछे जाएंगे। अध्याय 6 पशु प्रजनन पर पांच अंक आवंटित है जिन पर दो विकल्प पूछे जाएंगे और तीन अंकों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार कृत्रिम गर्भाधान पर तीन अंक आवंटित किए गए जिस पर एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और दो अंकों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। भ्रूण प्रत्यारोपण पर तीन अंक आवंटित किए गए जिन पर एक विकल्प पूछा जाएगा और दो अंकों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकाई 9 की बात करूंगा मैं यहाँ पर, और इकाई 9 में पशु प्रबंधन एवं देखरेख भाग एक पर तीन अंक आवंटित है जिस पर तीन अंकों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पशु प्रबंधन एवं देखरेख भाग दो पर चार अंक आवंटित है जिसपे एक विकल्प और तीन अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुर्गी पालन एवं नस्लों का अध्ययन पर चार अंक आवंटित है जिसपे दो अंक के दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दुग्ध व्यवसाय पर चार अंक आवंटित है जिस पर दो विकल्प पूछे जाएंगे और एक अंक का दो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सहकारिता पर पांच अंक आवंटित है जिस पर तीन विकल्प पूछे जाएंगे और दो अंकों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। दुग्ध उत्पादन पर पांच अंक आवंटित किए गए हैं जिन पर पांच अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार दुग्ध संगठन पर पांच अंक आवंटित किए गए जिसपे पांच अंक का एक क्वेश्चन होगा। और दुग्ध अवशीतन एवं परीक्षण पर तीन अंक आवंटित है जिसपे तीन विकल्प पूछे जाएंगे। दुग्ध संसाधन पर तीन अंक आवंटित है जिसपे तीन विकल्प पूछे जाएंगे। और दुग्ध पैकेजिंग एवं वितरण पर तीन अंक आवंटित किए गए हैं जो तीन विकल्प इससे पूछे जाएंगे। कृत्रिम दुग्ध
पर तीन अंक आवंटित किए गए जिन पे तीन विकल्प पूछे जाएंगे। इस प्रकार हम बात करें तो कुल यहाँ पर 70 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिस पे आपको 28 विकल्प पूछे जाएंगे आपसे और कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 20। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।